वेलकम टू रश्मि किचन। आज रश्मि किचन में हम बना रहे हैं धनिया पंजीरी, जो जन्माष्टमी पर स्पेशल होता है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, जन्माष्टमी पर सबके यहाँ बनता है। उसे बनाने के लिए हमने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, नारियल, किशमिश, काजू, बादाम, मखाना। इन सभी के लिए पहले हम घी में रोस्ट करेंगे, के बाद हम धनिया पंजीरी बनाएंगे। हमने गैस ऑन करके कढ़ाई के लिए रख लिया है और ये गर्म हो चुकी है। एक चम्मच देसी घी लेंगे, काजू और बादाम के लिए पहले रोस्ट कर लेते हैं। गैस के लिए स्लो रखें, हाई ना रखें, ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। इन्हें सिर्फ मध्यम आंच पर ही रोस्ट करना है। इसके साथ ही मखाना भी डाल लेते हैं, इन्हें भी रोस्ट कर लेते हैं। और ये रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें रोस्ट करने में 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगा है और अब हम इनको निकाल लेते हैं। किशमिश के लिए हम रोस्ट नहीं करेंगे, लिया हम नारियल का बुरादा जो है, इसे रोस्ट कर लेते हैं। आंच स्लो रखें। नहीं तो बुरादा जल जाएगा। इसी तरीके से आटे की भी पंजीरी बनती है। भगवान जी का जो प्रसाद होता है, आटे का भी बनता है और धनिया का भी बनता है। तो धनिया का बनाए तो इस तरीके से बनाए धनिया पंजीरी। ये भी रोस्ट हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। हमने ये साबित धनिया लिया है, आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं, पर हम साबित ले रहे हैं क्योंकि ये एकदम साफ सुथरा होगा। क्योंकि हम पिसा हुआ क्या होता है, मार्केट का क्या क्या मिलाते हैं, इसलिए हमने ये साबित लिया है। और इसके लिए 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। अभी हमने इसमें घी नहीं लगाया है, इसे एक बार पीसने के बाद घी में रोस्ट करेंगे। अभी हम सिर्फ बिना घी के ही रोस्ट कर रहे हैं कि ये अच्छा फाइन पाउडर बने इसका। अगर हम इसे ऐसे ही पीसेंगे तो ये बहुत बारीक नहीं बनेगा, इसीलिए हमने इसे रोस्ट किया है। ये रोस्ट हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं और मिक्सी जार में 1 मिनट ठंडा करने के बाद इसे पीस लेंगे। हमने धनिया पीस लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें घी लगा लेते हैं। कढ़ाई में धनिया पाउडर है, इसको ऐड कर लेते हैं। धनी को भी स्लो आंच पे ही रोस्ट करें, ज़्यादा तो हमें रोस्ट करना नहीं है, पर घी की वजह से पहले हमने इसे रोस्ट तो कर ही लिया था। घी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है, इसीलिए हमने 2 टेबल स्पून घी लिया है। और ये भी 1 मिनट में रोस्ट हो जाएगा। खुशबू अच्छी आने लगी है तो इसका मतलब ये रोस्ट हो चुका है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। गैस के लिए ऑफ कर देते हैं। जो ड्राई फ्रूट है हमारे, उनके लिए काट लेते हैं और उसके बाद हम इसे मिलाएंगे धनिया पाउडर में। ये बाकी ड्राई फ्रूट जो हमने बारीक काट लिए थे, ये धनिया पाउडर है जिसे हमने अभी रोस्ट किया था। अब इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करना है। हमने सभी के लिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, धनिया पंजीरी बनकर तैयार है। आप भी इसी तरीके से इस जन्माष्टमी धनिया पंजीरी बनाइए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये धनिया पंजीरी की रेसिपी अच्छी लगी होगी।
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।